नाज़रीन और दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि इन जो गरीबों का जो ये गांव है, यहाँ पे मैयतें भी हो जाती हैं और रोड के उस पार जाना पड़ता है मैयतें लेके। तो लिहाजा मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसे लोगों की मदद क्या करें। ये एक एक सेकंड के बाद ये लोग सामान लेके आते हैं, कितना मुश्किल रास्ता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे तो हमारे पाकिस्तानी फौजी भी नहीं चढ़ पाएंगे, इतना खतरनाक रास्ता है, इतना मुश्किल रास्ता है। इतनी छोटी सी रस्सी लेके देख सकते हैं क्या ये, अगर खुदा ना खास्ता कोई लकड़ी टूट जाती है या कोई गिर जाती है तो इनको कितनी चोटें आ सकती है। इस घर का चिराग ये अकेला बंदा है, तो हो सकता है इसको नुकसान ना पहुंचे किसी चीज़ का। तो लिहाजा हम इसको यही कहेंगे कि आप लोग इनकी मदद करें और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फौजी को हम लोग सलाम करके यही कहेंगे कि ऐसे एरियो में आके आप लोग फ़र्क किया करें, ताकि जो दो नंबर लोग हैं वो यहाँ से जल्दी फारिग होकर और निकल जाए हमारे सिरने से। आ जाए भाई, मैं इनको हाथ देकर बुलवा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि इनका कोई मसला या कोई एक्सीडेंट हो जाए। और हम लोग यही कहेंगे हमेशा की तरह कि गरीब लोगों की मदद किया करें और यहाँ पे जल्द से जल्द पुल बनाया जाए। ये शाह गरीब का इलाका है और हामिद सम्मो का ये गौट है और यहाँ पे दूर दूर तक देखते कोई भी आप कोई ब्रिज वगैरह नहीं बनी हुई। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम एक छोटी सी ब्रिज बन जाए जिनसे इन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इन लोगों का माल वहाँ से ये लोग शहर से लेने जाते हैं, यही रास्ता पड़ता है, ये रास्ता कि आप लोगों के लिए सेफ है, आप लोग इस रास्ते में आ सकोगे। दोस्तों, जिसका डर था आखिर वही हुआ और ये पुल अचानक से टूट गई है। तो वहाँ से जब पानी बह रहा था तो कुछ पौधे और पेड़ गिर गए, इसमें पुल इन लोगों ने तोड़ दिए। जितने भी पौधे और पेड़ आए थे सब लोगों ने मिलके ये पुल को तोड़ दिया। आइए आप देखें ये हाल है। उनकी सहूलतें, जो उनका हक है, जो उनके वोट का हक है, आप तो सिर्फ कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। हम कहाँ से वोट को इज्जत दें भाई? आप वोटर को इज्जत दो जो वोट दे रहा है। ये देखो, ये भी वोटर हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर हैं ये। हुकूमत से अपील करते हैं और जो कंसर्न पर्सन लोग हैं और जो पाकिस्तान की फौज है, हम उनसे अपील करते हैं कि यहाँ की पुल बनाई जाए। और ये पुल देखे अब टूट चुकी है पूरी तरीके से, तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसा कोई हादसा दोबारा पेश आए। वो देखो किस तरह से बंदे जा रहे हैं वापसी, अपना रूट वापसी कर रहे हैं। यहाँ पे दो कदम पे यहाँ पे कब्रिस्तान है और यहीं से लोग आते जाते थे अपने प्यारों को तदफीन करने के लिए, लेकिन आज वो रास्ता टूट चुका है पूरी तरीके से। तो मैं दोबारा आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप इसको फोकस करें। हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि खुदारा गांव में जो लोग रह रहे हैं वो भी इंसान हैं और इस जानवर की वजह से कुत्ते जो हैं इनके ऊपर जो है जानवर खाने के चक्कर में आए हुए हैं और वो अपने अपने घरों में जाके बीमारियां फैलाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। इस वक्त मैं बहुत थक चुका हूँ और हमारे पीछे जो बाबा हाशिम है काफ़ी मदद कर रहे हैं और काफ़ी यहाँ पे आके भेज भी सके आप देख सकते हो, लेकिन हम शहरी लोगों से काम कभी नहीं होगा। मेरे से क्या अच्छे अच्छे वजीर आजम से नहीं होगा ये काम, जितना इतना हल्के हो सकता है भाई हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत को हम लोग यही कहेंगे कि शेम ऑन शेम ऑन शेम ऑन, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ना शऊर इनको वोट करते और ना शऊर लोग ही इनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ पाक आर्मी से और दिल से मैं इत्तेजा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें और मैं अपना नंबर नीचे दे रहा, आप उस नंबर पे मुझे कॉल करें, मैं टोटल यहाँ का आपको एड्रेस बताऊँगा। आप अपनी इन आँखों से जो अल्लाह पाक ने दी हुई आप आके देखें और लोग किस तरह इस पर चढ़ते हैं वो भी देखें। थैंक यू सो मच।